हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे कारक के विषय में, और उस वीडियो में, उस क्लास में अपन ने अध्ययन किया कारक का परिचय कि कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं, वो सब अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया। आज अपन पढ़ते हैं पहला कारक जिसका नाम है कर्ता। कर्ता कारक जिसका कारक चिन्ह होता है ने, और इसमें विभक्ति आती है प्रथमा। देखिए बेटा, क्रिया संपादक है कर्ता, क्रिया संपादक है कर्ता, मतलब क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता। किसी काम को करने वाला कौन होता है, कर्ता। इसकी एक छोटी सी परिभाषा और है, स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता, मतलब कर्ता है वो स्वतंत्र होता है, करता है वो स्वतंत्र होता है। तो इसकी हिंदी में परिभाषा लिख देता हूं मैं एक बार, किसी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, यहां पर क्रिया हो रही है पढ़ने की, पढ़ना क्रिया कौन कर रहा है, राम। तो राम कौन हुआ, कर्ता। मतलब यहां पर पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, राम, और जो क्रिया को करता है वो कौन होता है, कर्ता। तो राम कौन हुआ, कर्ता। तो यहां पर जब इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे तो राम शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रथमा का, तो क्या हो जाएगा, राम है। पढ़ता है, पठ मीन्स पढ़ना, लट लकार का वाक्य है वर्तमान काल का। तो हमेशा जब हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में बदलते हैं तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार आती है। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो राम यहाँ पर प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, वो भी कौन से लकार में, लट लकार में, क्योंकि वाक्य लट लकार का है। तो पठ धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है, पठती। आपका वाक्य बन गया राम है पठती, राम पढ़ता है। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कर्ता को, और कर्ता के बारे में मैंने ये बताया कि क्रिया संपादक है कर्ता, मतलब क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता। यहाँ पर पढ़ना क्रिया हो रही है, उसको करने वाला कौन है, राम। तो राम कर्ता है, और राम कर्ता में हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रथमा विभक्ति। इसलिए मैंने यहाँ पर राम शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, प्रथमा का। जैसे वह खेलता है, वह खेलता है, क्रिया कौन सी हो रही है, खेलने की, खेलने की क्रिया कौन कर रहा है, वह है। तो वह कौन हुआ, कर्ता हुआ। तो जब संस्कृत में इसका अनुवाद करेंगे तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रथमा का। अब वह एक सर्वनाम पद है, सर्वनाम पद, सर्वनाम पद भी ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का सर्वनाम पद है, और प्रथम पुरुष
कि जो सर्वनाम है वो संस्कृत में उसके रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं। पुल्लिंग में सह तउ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताहा, नपुंसक लिंग में तत् ते तानी। यहाँ पर वाक्य है वो पुल्लिंग का है, खेलता है तो पुल्लिंग का वाक्य है, तो यहाँ पर वह जो ये सर्वनाम है वो पुल्लिंग के लिए आया है और पुल्लिंग के लिए क्या लिखा जाएगा, शह। अब ये सह शब्द है, ये तत् शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है। क्यों अपन ने यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि ये काम को करने वाला है और काम को करने वाला कर्ता होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सह है। अब क्रीड मीन्स होता है खेलना, क्रीड मीन्स क्या होता है बेटा, खेलना। अब यहाँ पर वाक्य है वो लट लकार का वाक्य है, लट लकार का वाक्य कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी, कर्ता है वो प्रथम पुरुष का एकवचन है, प्रथम पुरुष का एकवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन आएगी, तो क्रीड धातु की लट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया बनती है क्रीडति, तो आपका वाक्य बनेगा शह क्रीडति, वह खेलता है। एक तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रथमा विभक्ति और कहां प्रयुक्त होती है, कर्म वाच्य के कर्म में, कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, विभक्ति प्रयुक्त होती है, जैसे रामेण पुस्तकम् पठ्यते। मैंने क्या बताया कि जो कर्मवाच्य है, आगे पढ़ेंगे अपन, वाच्य तीन होते हैं, कृतृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर कर्म है पुस्तकम। वैसे तो पुस्तकम शब्द के रूप प्रथमा और द्वितीय में समान चलते हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, लेकिन यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। और प्रथमा विभक्ति कहाँ प्रयुक्त होगी, संबोधन में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, जो संबोधन है उसमें भी हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रथमा विभक्ति, जैसे हे बालकः तत्र गच्छत, हे बालको वहां जाओ, तो यहां पर संबोधन किया गया बालकों को, तो बालका बालक है, बालका बालका प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग और कहां होगा, किसी शब्द का किसी शब्द का अर्थ लिंग परिमाण और वचन बताने के लिए भी, वचन बताने के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। हमें किसी शब्द का अर्थ बताना हो, देखिए बेटा संस्कृत में बिना विभक्ति प्रयोग के प्रत्येक शब्द है वो निरर्थक होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। यदि शब्द को संस्कृत में सार्थक बनाना है तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे
तटह, तटी, तटम। तटह पुल्लिंग का रूप, तटी स्त्रीलिंग का रूप, तटम नपुंसकलिंग का रूप। तो किसी शब्द का अर्थ बताना हो, उसका लिंग बताना हो, उसका परिमाण मतलब मापतोल बताना हो, उसमें वचन बताना हो, तो भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का। एक बार प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि एक तो कर्ता जो क्रिया को करने वाला होता है उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। दूसरी कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। तीसरा संबोधन होता है उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। और एक किसी शब्द का अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन बतलाने के लिए भी कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? प्रथमा विभक्ति। तो ये था आपका कर्ताकारक और प्रथमा विभक्ति। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।